नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर, टाटा पावर के स्टॉक में क्या और गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर जो गिरावट हो रही है उसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है। तो पहले एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। एज सच देखिएगा, स्टॉक में कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑर्डर बुक भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, टाइम टू टाइम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। लाइक अभी थोड़े दिन पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि स्टॉक FNO में क्या हो गया है, बैन हो गया है। अब इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है आपके सामने कि देखिएगा, एप्टल रिजेक्ट्स टाटा पावर प्ली अगेंस्ट मैक्स ₹7,000 करोड़ प्रोजेक्ट अवार्ड टू अडानी विदाउट बिडिंग। तो आपको पता है कि ये स्टॉक की जो अपडेट है वो आपको देखिएगा जस्ट दो दिन पहले की देखने को मिली है, लेकिन आपको पता है इम्पैक्ट कब पड़ेगा, आज के दिन या फिर पहले से ही देखिएगा थोड़ा थोड़ा वीकनेस आपको स्टॉक में देखने को मिलती रहती है। और पूरी तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन देखेंगे, वी फाइंड नो मेरिट इन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द एपलेट। और उन्होंने कहा है एपलेट के पर्टिकुलर देखिएगा आर्ग्यूमेंट में कोई भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट देखने को नहीं मिला है। रिजेक्ट द ऑब्जेक्शन, पूरी तरीके से एपलेट ने क्या करा है, ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट करा है टू द चॉइस ऑफ RTM रूट मेड बाय मैक इन रिलेशन टू सब्जेक्ट प्रोजेक्ट। एपलेट सेड इन ऑर्डर, ऑर्डर दे के पूरी तरीके से टाटा पावर की जो प्ली थी उसको रिजेक्ट किया गया है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है आपको पता है सीधा सीधा स्टॉक पे उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं सेक्शन 62 फॉर रीजन विच कैन नॉट बी टर्म्ड एज इनकरेक्ट, ऐसा कहते हुए एपलेट ने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से इनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि टाटा पावर अब क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो अगर करता है तो लेट्स सी वहां पे क्या डिसीजन आता है। बट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए जो प्रेशर स्टॉक में आप देख रहे हैं वो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। फिर अगर आप बात करेंगे स्टॉक में मोमेंटम, तो स्टॉक देखिएगा जब तक विद ह्यूज वॉल्यूम, आपको पता है विद ह्यूज वॉल्यूम इस पर्टिकुलर लेवल को नहीं तोड़ेगा 235 पर, कम से कम 2 से 3 दिन क्या नहीं देगा, आपका क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक आपको देखेगा इसमें 245 250 के टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। नीचे की तरफ देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो पूरा 1 महीना होने वाला है, 2 महीना होने वाला है, स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 1-2 महीने से स्टॉक ने एज सच कोई बड़े रिटर्न भी नहीं बना के दिए हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक अच्छा लग रहा है, जब ओवरसोल्ड हो जाता है तो स्टॉक में देखिएगा एक मोमेंटम देखने को मिलता है 3-5% का, और फिर वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अभी के लिए अगर आप बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है देखिएगा 217-218। 217 और 218 का लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक आपका स्लाइड अवे होकर, अगर आप देखेंगे स्लाइड अवे होकर 209 के लेवल पर भी जा सकता है। तो इन लेवल के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है अगर मार्केट में कोई दिक्कत आती है। ऊपर की तरफ देखिए, आप जैसे पता है कि 232 235 के ऊपर जब तक सर्वाइवल नहीं आएगा तब तक आपको कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। अभी मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टॉक में जब भी मोमेंटम आता है तब वॉल्यूम आते हैं। आप देख सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार और देखिएगा 4 बार, आप चारों बार देखेंगे जो बड़े मोमेंटम आए, ये देखिए जो बड़े बड़े मोमेंटम आए, ये बड़े बड़े मोमेंटम आए तो वो कब आते हैं, जब वॉल्यूम ह्यूज आते हैं। अभी के वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नाक के बराबर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसीलिए स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है। आगे चल के अभी देखिएगा जैसे ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा स्टॉक में अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग एक दूसरे स्टॉक के बारे में, ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट में मैक्सिमम लोग देखिएगा परेशान है, और एक बहुत ही क्रूशियल लेवल की बात करूंगा, यानी कि इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से बहुत ही क्रूशियल लेवल की बात करूंगा। पहले तो मैं बता देना चाहता हूं ट्राइडेंट के फंडामेंटल आप देख सकते हैं, फंडामेंटल में आपको कोई भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा, एवरीथिंग इज गुड। अगर आप देखेंगे स्टॉक ने जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट इट, वो कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ही देखिएगा स्टॉक के अब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले होंगे मार्च में, तो आपको पता है फिर स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा,
फिर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में स्टॉक में देखिएगा, अगर एक बहुत ही क्रूशियल लेवल जो दो बार टेस्ट हो चुका है अगर वो टूटता है तो स्टॉक थोड़ा सा स्लाइड हो सकता है नीचे की तरफ और गिर सकता है। तो उन लेवल पे फोकस करिएगा। आपके क्वेश्चन के आंसर अगर ये है कि सर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आराम से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक में। देखिएगा नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं और थोड़ा सा टाइम फ्रेम को 2 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए। 2 महीने बाद स्टॉक आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न बना के देगा। तो आप देखते हैं कि पिछली बार मैंने 2 बार बताया आपको 53 के लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक किया है। आज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे स्टॉक आ गया था 51 के आसपास। अगर आप चेकआउट करेंगे 51 के आसपास, तो अभी आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो रीजन आ रहा है स्टॉक के स्लाइड का, एक तो स्टॉक क्या है स्टेज 4 में है। अगर आप देखेंगे स्टेज 4 में आपको देखने को मिल रहा है ASM की देखिएगा जो लिस्ट है उसमें स्टेज 4 में है, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जामिन चल रहा है स्टॉक के बारे में। दूसरी बात है वॉल्यूम की कमी होना। जब वॉल्यूम नहीं होंगे तो आपको पता है स्टॉक में मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। छोटा स्टॉक है तो ह्यूज वॉल्यूम यहां पे चाहिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं जब तक वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसे वॉल्यूम आएंगे तभी मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऐसे वॉल्यूम जब आते हैं तो देखिएगा क्या शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो हमेशा ये कहेंगे कि अगर ये 49 का लेवल टूटता है तब स्टॉक थोड़ा सा स्लाइड हो सकता है, तब थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट स्टॉक पे ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये क्रूशियल सपोर्ट है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ देखिएगा 57 के ऊपर जब तक बैक टू बैक क्लोजिंग नहीं देखने को मिलेगी तो स्टॉक इन्हीं लेवल पे क्या करता रहेगा, रेंज बाउंड देखने को मिलेगा। तो आई होप आपके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके आंसर्स मिल गए होंगे और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके आंसर मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच।